आज हम लोग 12th क्लास का जो चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर देख चुके हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात किए थे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसका डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग हिंदी में मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मानक क्या है। इसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में स्टैंडर्ड कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मानक टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है 1 bar या फिर 1 atm होता है। हमारे बॉडी के ऊपर कुछ प्रेशर्स लग रहे होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर का कुछ टेम्परेचर होता है, तो कुछ उसका एक वैल्यू होता है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। उसके बाद हम लोग जो सॉल्यूशन लेते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि 1 molar जो होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बारे में हम लोग फिर आगे समझते हैं। तो आइए हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में समझते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वैसा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर लिख दिया गया है द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन्स। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले भी पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं। तो हम लोग एक बर्तन लेते थे, एक कंपार्टमेंट लेते थे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगाते थे। इलेक्ट्रोड में मान लिया जाए इस को हम जिंक के इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इसके अंदर जो सॉल्यूशन लेते थे ZnSO4 लेते थे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता था, जिंक का ऑक्सीडेशन होता था, तो यहाँ निगेटिव चार्ज, इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसको आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 molar होना चाहिए, टेम्परेचर 298 kelvin होना चाहिए, या फिर हम इसको 25 degree Celsius कह सकते हैं, और प्रेशर जो होना चाहिए 1 bar या फिर 1 atm। आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। कंडीशन क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए 1 molar, टेम्परेचर कितना रखना है 298 kelvin, प्रेशर कितना रखना है 1 bar प्रेशर पर। जब आप इस काम को कराते हैं तो हम उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इस इलेक्ट्रोड पे निगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीडेशन होने के कारण, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिसे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में आयन्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। लेकिन अब हम लोग जब कॉन्सेंट्रेशन 1 molar लेंगे, टेम्परेचर 298 kelvin लेंगे, प्रेशर 1 bar लेंगे, तो हम इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे कि मेटल का इलेक्ट्रोड, ये मेटल इलेक्ट्रोड हो गया जिंक, और आयन्स के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर 298 kelvin होना चाहिए, प्रेशर 1 bar या फिर 1 atm, 1 bar जो होता है प्रेशर लगभग 1 atm के बराबर होता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए 298 kelvin बराबर जो होता है डिग्री सेल्सियस में 25 degree Celsius के बराबर होता है, और कॉन्सेंट्रेशन 1 molar होना चाहिए। इस केस में हम
जो पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, जो इलेक्ट्रोड और आयंस के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होते हैं, उसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। चलिए हम इसके नीचे लिख देते हैं। तो आइए अब हम लोग लिख लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होना चाहिए 1 मोलर होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर इसको हम लोग तापमान के नाम से जानते हैं, तापमान, तापमान कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को हम लोग केल्विन में कैलकुलेट करते हैं 298 केल्विन। हाँ, और तीसरा स्टैंडर्ड के लिए प्रेशर कितना होना चाहिए, दाब जिसको आप कहते हैं 1 bar या फिर 1 atm, ठीक है, जिसको हम लोग दाब के नाम से जान। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एक फिगर देखेंगे, उससे हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए इस फिगर को हम लोग देख करके कुछ समझने का कोशिश करते हैं। आइए फिगर देखते हैं। देखिए इस फिगर में एक हाफ सेल लेफ्ट साइड में रखा गया है और एक डैनियल सेल राइट साइड में बनाया गया है, और यहाँ पे गुड का निशान लगाया गया और यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाया गया। तो इससे क्या समझना है आपको, ध्यान से सुनिए। अब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कैसे जानते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे हम लोग उसको फाइंड करते हैं। तो किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का हम लोग पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में क्या दिखाया गया है, हाफ सेल वाला फिगर में, कि एक बर्तन है और उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया गया है, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, लेकिन इस इलेक्ट्रोड और इस आयन्स के बीच में, इलेक्ट्रोड आयन के बीच में कितना पोटेंशियल क्रिएट होता है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसके बारे में अगर जानकारी हमें चाहिए होता है तो हम लोग एक हाफ सेल और क्रिएट करते हैं, मतलब राइट साइड में एक और लगाते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में एक सेल तो लगा है, हाफ सेल बना है, और राइट साइड में भी एक हाफ सेल बना है, और इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होता है, और यहाँ से ये वोल्टमीटर लगा है, वोल्टमीटर लगा है, वोल्टमीटर का नीडल आप देख सकते हैं, यहाँ वोल्टमीटर बतला रहा है कि इसके अंदर जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, कितना वोल्टमीटर, कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ ये हमें बताता है। तो किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना है। मान लिया जाए हमें जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को आपको बनाना नहीं है, इसको हमने सिर्फ दिया है समझने के लिए। किसी बर्तन में आप एक सिंगल इलेक्ट्रोड लगा दीजिएगा तो उसका पोटेंशियल कैसे क्रिएट होगा, पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें इसमें वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। अब सवाल है कि यहाँ पे वोल्टमीटर हम कैसे जोड़ेंगे, सर्किट कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, और इस हाफ सेल से हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तब फिर इसका हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग बनाते हैं, और जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उससे हम लोग हाफ सेल को जोड़ करके, है ना, इसका हम फिर पोटेंशियल को फाइंड करते हैं।
तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का हम लोग पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द एब्सोल्यूट, जो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है पोटेंशियल का किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का, कैन नॉट बी मेजर, मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो होता है कैरिड एट एनी सिंगल इलेक्ट्रोड पर पूरा नहीं होता है, रिएक्शन कंप्लीट पूरा नहीं होता है किसी सिंगल इलेक्ट्रोड पर। तो हम इसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं जिसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, इसका हम हिंदी लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है हिंदी में किसी सिंगल एकल इलेक्ट्रोड, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के विभव का निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू निर्धारण डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि किसी एक इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन अकेले नहीं होता है, अभिक्रिया अकेले नहीं होता है। अतः इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण एक मानक इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के सापेक्ष हम लोग करते हैं, और उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा बनाने का पर्पस क्या है, क्योंकि किसी हम सिंगल इलेक्ट्रोड को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो पोटेंशियल कितना क्रिएट होता है हमें मालूम नहीं चल पाता है, तो इसीलिए हम उसको जोड़ते हैं किसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग जीरो मानते हैं, और उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के सापेक्ष हम किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसके बारे में हम लोग फाइंड करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमारा अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। सबसे पहले तो आपको मैं ये फिर से बता देना चाहता हूँ कि मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाने का हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अभी हमने आपको बतलाया, फिर से हम बता देते हैं, किसी मेटल को किसी सॉल्यूशन में डुबाते हैं, किसी मेटल के रॉड, मान लिया जाए जिंक का रॉड को हम लोग जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्ज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जिंक Zn2+ ion के फॉर्म में सॉल्यूशन में चले आते हैं, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, लेकिन कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ये हमें मालूम करना पॉसिबल नहीं है, हम इसमें कहाँ पर लगा देंगे, कहाँ पर वोल्टमीटर लगाएंगे, तो इसीलिए इसका पोटेंशियल कितना होता है इसको हम लोग इससे जोड़ते हैं, फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके किसी जिंक के मेटल का हम लोग उसका पोटेंशियल बता पाते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि किसी सिंगल मेटल रॉड का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पता करना है तो हम किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस में पता करते हैं, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसीलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी। आइए अब हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए क्या क्या कंडीशन है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख दिया गया है, इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H2 गैस इज बबल्ड थ्रू अ 1 molar H+ एक्वस सॉल्यूशन। जो आप H+ एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 molar होना चाहिए, और उसमें हम लोग कौन सा गैस को पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या कराते हैं, बबल्ड कराते हैं, एट 1 bar प्रेशर ओवर अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो स्टैंडर्ड कंडीशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन जो होता है टेम्परेचर का 298 केल्विन होता है, प्रेशर का 1 bar होता है, और कॉन्सेंट्रेशन का 1 molar होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है हिंदी में,
मानक इलेक्ट्रोड विभव में प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड 1 bar वायुमंडलीय दाब, हाँ प्रेशर कितना होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 bar, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग को हर हाल में प्रेशर को ध्यान में रखना है, 1 bar होना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए 1 molar होना चाहिए, सांद्रण जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन पर डुबा देते हैं, और उससे हम लोग हाइड्रोजन गैस, शुद्ध हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर बबल्ड कराते हैं, उसमें बुलबुलाया जाता है, उसमें गैस को पास करते हैं तो क्या होता है बबल्स निकलते हैं। और एक चीज़ आपको एरो का साइन देके यहाँ से लिख देना है कि हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एज्यूम्ड 0, मतलब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। इसका हिंदी लिखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 मान लिया जाता है। अब हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर देखेंगे, उसके बाद उसमें कौन कौन सा रिएक्शन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर के बारे में समझते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर दिखाया गया आपको, यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसा आप देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन जो है इसका, कॉन्सेंट्रेशन कितना है जी 1.00 mH+ सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए, और इसके अंदर देख रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को लगा दिया गया है, और इससे जो है ना ढका गया है वो ग्लास का ट्यूब है, और इसके अंदर से देख सकते हैं यहाँ से हाइड्रोजन गैस को कितना प्रेशर पर 1 bar प्रेशर पर पास किया जाता है। तो अब हम लोग इसके बारे में सीखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। अब सवाल यहाँ से ये आता है कि सर इसमें H+ आयन का सॉल्यूशन है तो इसमें आप HCl भी ले सकते हैं, है ना। HCl में आप जानते हैं ये हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा, तो H+ आयन का सॉल्यूशन है। यहाँ पे टेम्परेचर को मेंशन नहीं किया गया है तो आप यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्लेटिनम मेटल जो होता है वह एक इनर्ट मेटल होता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये सॉल्यूशन है HCl का, एक्वा सॉल्यूशन का, इसके अंदर जान रहे हैं कि हम लोग हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं पास करा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस ऑलरेडी इसके अंदर H+ आयन भी है, H+ आयन है, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस आएंगे तो रिएक्शन कराने के लिए हमें इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रोड यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में तो है नहीं, यहाँ पे अंदर में लिक्विड फॉर्म में है और इधर से हम लोग गैस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें एक इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, और उस इलेक्ट्रोड को हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और इनर्ट इलेक्ट्रोड के फॉर्म में हम लोग प्लेटिनम को लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसके बारे में रिएक्शन को लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ से H2 गैस हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस, तो ये हाइड्रोजन गैस जो होते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर में जाते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन मौजूद हैं, तो ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। आप जो H2 गैस डाल रहे हैं और यहाँ से HCl जो है एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, ये H+ आयन कहाँ होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो अब ये H2 गैस जो जा रहा है वो कहाँ पे जाएगा, प्लेटिनम के ऊपर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल। इसका मतलब क्या है कि जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे दोनों तरह का रिएक्शन शो करता है। तो हम लोग जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड हाफ सेल की तरह काम करेगा, तो जैसा कि आप जानते हैं एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होता है
ऑक्सीडेशन, तो आप समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगा, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है तो किस में कन्वर्ट हो गया, H प्लस में, तभी तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो दो हाइड्रोजन है तो दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब एनोड हाफ सेल की तरह काम करेगा, एनोड हाफ सेल का मतलब ये हुआ जहां एनोड होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को यहां बबल कराते हैं तो वह H प्लस आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो यहां से यहां जाने में क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस, कितना इलेक्ट्रॉन का हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन का हुआ है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन, निरूपण, इस रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं H2 गैस को आपने सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो उसके बीच में सॉल्यूशन और गैस का जो है रिएक्शन के बीच में हम लोग सिंगल एरो से दिखाते हैं, और ये कहाँ चले जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन होकर H प्लस आयन में चले जाते हैं। लेकिन इस गैस का जो होगा ऑक्सीडेशन होगा तो इसे हमें एक इलेक्ट्रोड देना जरूरी है, और जो कि हमने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ई H2 गैस से जब H प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ है, ये ई क्या है, पोटेंशियल है, लेकिन स्टैंडर्ड है तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको नॉट लगाना पड़ेगा, हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। ये है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन यहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जब हम दूसरा केस लेंगे, कब, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड नहीं लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, कैथोड, हाफ सेल की तरह काम करेगा, तो क्या होगा, जैसा कि जानते हैं कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हम जानते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर में H प्लस आयन होगा वो जो हो जाएगा क्या बना देगा, H2 गैस। तो हम जानते हैं दो हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में, यहाँ भी दो हाइड्रोजन लिख देंगे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो दो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, दो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो आप खुद से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हुआ है जी, तो रिप्रेजेंटेशन में हम दिखा सकते हैं कि H प्लस जो था सॉल्यूशन के अंदर सिंगल एरो, इसका क्या हो गया है जी, रिडक्शन, H2 गैस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ से सर बैलेंस करना है तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाना जरूरी नहीं होता है, यहाँ पे गैस है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ई नॉट किससे, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, H प्लस सिंगल लाइन H2 गैस में कन्वर्ट हुआ, दो से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोग पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, जीरो, लेकिन यहाँ पर तो हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे पहले था, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन की जगह में अब हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। बारी बारी से हम लोग देखे थे जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड हाफ सेल की तरह काम करता है तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जब हम लोग H2 गैस को बबल कराते हैं तो H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से H2 गैस आते हैं, बबल कराते हैं, यहाँ से देख रहे हैं रेड कलर से दिखाया गया है, H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, क्योंकि H प्लस आयन बहुत सारे जो होते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर जाके एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। तो एक हाइड्रोजन गैस से आता है, H प्लस आयन में कन्वर्ट होता है, और कुछ कहाँ चले जाते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर, और दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, बराबर अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
जब एनोड हाफ सेल की तरह काम करता है तो जैसा कि आप जानते हैं एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तो लॉस कराइएगा इलेक्ट्रॉन का, तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस और सॉल्यूशन के बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन दिखाते हैं, और यहाँ पर गैस है तो गैस का हम इलेक्ट्रोड तैयार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं, कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग प्लेटिनम जानते हैं। और यहाँ पर नॉट इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन में जब H2 यहाँ पर सिंगल लाइन है H प्लस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और पोटेंशियल क्रिएट होता है, इसीलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। दूसरा केस में जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड हाफ सेल की तरह काम करेगा तब, तो कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, तो हाइड्रोजन जो यहाँ सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन के जो अंदर है हाइड्रोजन आयन, ये कहाँ जाते हैं प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर, और उस पर जाके डिपॉजिट होते हैं, एब्जॉर्ब कर जाते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो हाइड्रोजन H2 गैस बनाता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वस और गैस के बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन दिखाते हैं, यहाँ पर गैस है इसीलिए हम लोग एक प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और यहाँ से देख रहे हैं ई नॉट एच प्लस आयन, यहाँ पर सिंगल लाइन है वर्टिकल लाइन, H2 में कन्वर्ट हुआ है तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इसके अगले वाले क्लास में हम लोग डिटरमाइन करने के लिए सीखेंगे, निर्धारण करेंगे किसी मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 होता है, तो कैसे हम उसको निकालते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।